यह तस्वीर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस की है। इन्हें आप बांग्लादेश का अंतरिम प्रधानमंत्री भी बोल सकते हैं। दिखावा करने के लिए मोहम्मद यूनुस हिंदुओं से मिलने मशहूर ढाकेश्वरी मंदिर पहुंच गए। हैरानी की बात देखिए कि 8 अगस्त को जब मोहम्मद यूनुस शपथ ले रहे थे, उस दिन भी बांग्लादेश के कट्टरपंथी हिंदुओं को मार रहे थे। पद संभालने के बाद भी मोहम्मद यूनुस की आंखों के सामने हिंदुओं का कत्लेआम होता रहा। हजारों बांग्लादेशी हिंदू जान बचाने के लिए भारत की सीमा पर आकर बैठ गए, लेकिन मोहम्मद यूनुस आंसू बहाने मंदिर अब पहुंचे हैं। नोबेल पुरस्कार तो इन्हें मिल ही चुका है, मगर ड्रामा करने के लिए मोहम्मद यूनुस को ऑस्कर भी मिलना चाहिए। वैसे आपको बता दें कि मोहम्मद यूनुस अपनी मर्जी से मंदिर नहीं आए हैं, बल्कि भयंकर दबाव के बीच मोहम्मद यूनुस को यह फैसला लेना पड़ गया है। भारत, इसराइल और खुद बांग्लादेशी हिंदुओं का पलटवार मोहम्मद यूनुस को मंदिर खींच लाया। जिस दिन मोहम्मद यूनुस ने शपथ ली थी, उसी दिन पीएम मोदी ने कहा था कि हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों की रक्षा किसी भी कीमत पर होनी चाहिए। पीएम मोदी के इस बयान के बाद बांग्लादेश, कनाडा, फिनलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में हिंदू सड़कों पर उतर आए। हिंदुओं ने बांग्लादेश की नई सरकार और कट्टरपंथियों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिए। खुद बांग्लादेश के हिंदू भी सड़कों पर आकर हरे रामा हरे कृष्णा के नारे लगाने लग गए। इसके अलावा चार बड़े देशों में यहूदी भी बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के खिलाफ उतर आए। यहूदी शायद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में हिंदुओं के लिए उतरे हैं। इजरायली राजदूत नार गिलन के साथ कई और इजरायली लोग हिंदुओं के लिए आवाज बन रहे हैं। अब इतना बड़ा दबाव पड़ा तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार मंदिर में जाकर बैठ गई, लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश ने एक नई मक्कारी की है। बांग्लादेश ने भारत पर दबाव बनाने के लिए शेख हसीना पर FIR दर्ज कर ली है। अब बांग्लादेश यह बोलेगा कि भारत ने एक अपराधी को सुरक्षित जगह पर रखा हुआ है। जानकारी के लिए बता दें कि शेख हसीना पर एक दुकानदार की हत्या के आरोप में लेकर मामला दर्ज करवाया गया था। कहा गया था कि पिछले महीने 19 जुलाई को आरक्षण पर जारी हिंसा के बीच ढाका के मोहम्मदपुर में एक किराना दुकानदार अबू सईद की पुलिस गोलीबारी में मौत हो गई थी। इसी मामले में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और 6 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था।